अच्छे ही होंगे, उसमें पूछने की क्या बात है, बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज खूब ढेर सारा पूजा पाठ किया होगा सभी ने। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4 और मैं हो गई हूँ एकदम रेडी। तो हम लोग आज जा रहे हैं, आज है रामनवमी, और तो आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हम लोग जा रहे हैं, हमारे यहाँ पर कलश यात्रा निकाली जा रही है, पालकी, मतलब पूरा सब बहुत बड़े लेवल पे सब लोग जाएंगे वहाँ पर, अटेंड करेंगे। तो हम भी वहाँ पर जा रहे हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, तो आप भी चलिएगा, आपको भी हम उस रैली में, रैली मतलब नहीं यात्रा, भगवान जी की यात्रा, कलश यात्रा, तो वो हम आपको भी अटेंड करवाएंगे। तो बने रहिए वीडियो में तब तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने सारे कलश जो हैं बिल्कुल तैयार करके रख दिए गए हैं, और कलश के अंदर जल और सिक्का और थोड़ा सा मतलब आम के पत्ते, और उसके ऊपर रखा जाएगा नारियल। तो यहाँ पर भजन हो रहे हैं मंदिर में। तो बस यहाँ से पालकी उठी, तब तक हम लोग पालकी का इंतज़ार कर रहे थे, तो ये हुआ चलो मंदिर में बैठे हैं तो कुछ भजन ही माता रानी के कर लिए जाएं। तो अभी ये आ चुके हैं फेटा बांधने वाले हैं, मतलब हमारे मराठी में इसको फेटा बोलते हैं, और आप क्या बोलते हैं तो समझ लीजिएगा, पगड़ी। तो सभी लोग ये बंधवा रहे थे, और मतलब काफ़ी अच्छा एक लुक था, सभी लोग भगवा रंग या फिर येलो कलर में ड्रेस में थे, तो एक ड्रेस कोड होता है ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी एक माहौल ही एकदम अलग हो जाता है, आपको बताऊँ। तो यहाँ पर अब हमारी जो है ये यात्रा निकल चुकी है, तो अभी इसका लुत्फ उठाइए बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में, बहुत ही आगे से बढ़ चढ़ कर लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बहुत ही सभी लोगों ने सहयोग किया। और वहाँ पर ना रास्ते में पूरे इंतज़ाम किए गए थे कि पानी के, और मतलब बादाम शेक वगैरह, शरबत, सभी चीज़ों की रास्ते में पूरी व्यवस्था थी, और प्रसाद भोग वगैरह की भी व्यवस्था थी, काफ़ी अच्छा इंतज़ाम था, काफ़ी सेफ्टी से सभी चीज़ें पूरे नियमानुसार की गई, जो कि मतलब काफ़ी अच्छा रहा हम लोगों की यात्रा।
तो मंदिर में पहुंचने के बाद बस आरती हुई, पूजन हुआ सारा, सभी लोगों ने आरती मिलजुल कर की। उसके बाद इतने ढेर सारे लग जयकारे द्वारे भगवान राम लक्ष्मण और सीता माता का दर्शन कर लीजिए। इस भव्य मंदिर, सुंदर मंदिर के लिए एक लाइट तो बनता ही है। तो बस यहाँ पर हो रहा है थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट, जो भी हम लोग अपना एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत शूट कर रहे थे, फ़ोटो वगैरह ले रहे थे। और उसके बाद हमारी, मतलब हमारी फ्रेंड है जिनके घर के पास में ही वैष्णो देवी माता का मंदिर है, तो ये लीजिए, आप भी दर्शन कर लीजिए। तो आज मैं बहुत सारा, बहुत कुछ आपको अपने इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। ये मंदिर जो है पूरा कांच का है, आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर बनाया गया है। हमें तो जा कर के बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ये देखिए, वो था राम मंदिर जहाँ पर यात्रा गई हुई थी हमारी कलश यात्रा, और ये है वैष्णो माता का मंदिर। तो यहाँ पर ना नीचे गुफा वगैरह सब बनाया गया है, तो अंदर हम लोग गुफा में भी गए। तो ये आप दरवाज़ा देख रहे हैं, यहीं से बस गुफा में जाने का रास्ता है। तो बस हम लोग थोड़ी देर के बाद गुफा में भी गए, बहुत ही अच्छा लगा, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके अंदर एकदम हल्की हल्की लाइट थी, और हमें थोड़ा सा लेट कर, मतलब झुक कर जाना था इस तरह से। आप ये देखिए गुफा, ये पूरी ऐसे सुरंग सी अंदर से बनी हुई है, जिसमें मतलब अगर कोई ज़्यादा थोड़ा सा हेल्दी है तो फिर वो नहीं निकल सकता। गुफा बहुत छोटी और पतली है, आप देख सकते हैं इस तरह से बाहर निकला, एक तरफ जाने का रास्ता, एक तरफ आने का। तो ये हमारे भुसावल में ही है, पास में ही, बहुत दूर नहीं है। लेकिन आज तक, मतलब हम 5-7 साल से यहाँ पर रह रहे हैं और हमें पता ही नहीं था इस मंदिर के बारे में। तो कोई नहीं, होता है ना भगवान से मिलाने का कोई ना कोई मार्गदर्शक, तो बस वो भाभी की वजह से आज हमें भी इतना माता रानी के दर्शन हुए। तो यहाँ पर आप भोले बाबा नंदी महाराज के दर्शन कर लिए सभी के। और यहाँ पर ना एक बहुत ही भव्य भंडारा हो रहा था, हवन वगैरह हुआ था, क्योंकि उस दिन थी नवमी, तो नवमी के दिन तो भंडारा वगैरह होता ही है। तो आप भी, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप हमारे चैनल में नए हैं। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, बाय।